तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पहले एक बार बना चुका हूँ, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से वो वीडियो डिलीट हो गई। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। खुशी मतलब इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विचित्र जीव के बारे में जो सबके पास होता है। मेरे पास, तुम्हारे पास, इसके पास, उसके पास, सबके पास। नहीं, दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, यानी दोस्तों की। वैसे दोस्तों की एक खास बात होती है, इनको जब तक गाली देके ना बुलाया जाए इनके कान में चू चा कुछ नहीं होती। क्या नाम है बेटा आपका? चूचा? चूचा, फिर ठीक। खैर तुम्हें बता दूं, मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत तरह के फ्रेंड्स देखे हैं, जिनमें से कुछ अच्छे तो कुछ सच्चे, पर ज्यादातर कमीने। और मैंने जब अपने उन कमीने फ्रेंड्स को कहा कि भाई यूट्यूब में मैंने एक नया चैनल बनाया है तो जाके वीडियो को देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो उन लोगों ने तुरंत सब्सक्राइब कर दिया, थोड़ी सी भी देर ही नहीं लगाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने तुरंत सब्सक्राइब कर दिया तो कद्दू मेरा सब्सक्राइब किया उन्होंने, बल्कि उल्टा मेरे सामने मेरे वीडियो को डिसलाइक मार दिया। ये यहाँ तुम्हें 5 डिसलाइक दिख रहे हैं, ये 5 डिसलाइक उन कमीनों ने मारा है, वो भी मेरे सामने मुझे दिखा दिखा कर डिसलाइक मारा है। अब उसके बाद मेरा रिएक्शन कैसा था तुम्हें पता है? परंतु इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैं दोबारा गया और बोला भाई तू मेरा फ्रेंड है, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करती, इतना तो कर ही सकता है तू भाई। लेकिन इस बार तो इन लोगों ने हद ही कर दी, मुझे पहचानने से भी मना कर दिया और कहने लगे ये कौन है, इसको हटाओ सामने से। इसको हटाओ, इसको कैमरे पे से हटाओ। खैर इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्कूल फ्रेंड्स के बारे में। स्कूल फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो कभी स्कूल नहीं आते, दूसरा जिन्हें लात मार के घसीट घसीट के स्कूल भेजा जाता है। वैसे स्कूल फ्रेंड्स की एक खास पहचान होती है, ये जीव कभी अकेला नहीं घूमते बल्कि कुत्तों की तरह झुंड बना के घुमा करते हैं। अब अगर इनको खाना खाना हो झुंड में खाएंगे, झगड़ा करना हो झुंड में करेंगे, सुट्टा मारना हो झुंड में मारेंगे, यहाँ तक कि संडास भी झुंड में ही जाते हैं ये लोग। अब इनका ये ग्रुप यानी झुंड चाहे जैसा भी हो, उस झुंड में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसकी आवाज भले ही फटे बांसुरी जैसी हो पर अपने आप को अरिजीत सिंह से कम बिल्कुल नहीं समझेगा, और इसका पूरा झुंड इसे अरिजीत सिंह कहकर ही बुलाएगा। अब अगर तुम भी इसके ग्रुप में शामिल हो तो तुम्हें भी इसे अरिजीत सिंह कहकर ही बुलाना पड़ेगा। और अगर तुमने गलती से भी इसे इसके असली नाम से पुकार दिया तो काली जिया, तो उस समय इस जीव को अपना ही नाम काली जैसा लगने लगता है। अब वैसे तो ये पैदाइश ही बेसुरा होता है पर इसे गाना गाने की बहुत ज्यादा चुल होती है। चुल मतलब इतनी ज्यादा चुल, इतनी ज्यादा चुल कि भले ही क्लास में टीचर बैठा हो, सब पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी ये गाना गाएगा। और ना जाने क्यों इसके उस बेढंगे गाने को सुनकर इसका पूरा झुंड ऐसे झूम उठेगा, ऐसे झूम उठेगा जैसे जैसे कि ये देखो निकाली मुन्ना अलगला निकाली। अब एक तरफ जहाँ टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़े जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये लोग पीली ची नागिन निकाली मुन्ना बेडोड़ा या लगला ऐसे गानों पे मजे लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर क्लास में टीचर है तो सीधी सी बात है, क्लास तो शांत ही होगी। अब चाहे तुम चिल्ला चिल्ला के गाओ या धीरे धीरे से, पता तो चल ही जाती है। लेकिन इसके बेढंगे गाने की वजह से ये खुद नहीं फंसेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि जो इसके बगल में चुपचाप बैठा होगा टीचर उसे धर लेगी, सामूहिक पिटाई हो जाएगी उसकी। और पिटाई खत्म होने के बाद ये बेसुरा के अपने दोस्त को तसल्ली देगा, अरे भाई तू टेंशन मत ले, तेरा बदला लिया जाएगा, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं लूंगा तेरा बदला। इसके बाद ये लोग टिफिन टाइम में बैठकर बदले की प्लानिंग बनाएंगे, और इनकी प्लानिंग कोई ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं होगी, इनका बस चले तो ये अपने टीचर को बम से ही उड़ा दे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हाँ हाँ बहुत सही, बम से उड़ा दे अपने टीचर को। अरे हद भी हो गई यार, जिंदगी में और कुछ रखा ही नहीं है इनके, स्कूल में पढ़ाई तो करते नहीं ये लोग और चले हैं टीचर से बदला लेने। पर एक मिनट सोचो, उसी वक्त इनके टीचर पीछे से आ जाए तो सीधी सी बात है यार, इनके टीचर इनको पानी पूरी तो बनाने नहीं बोलेंगे, चल पानी पूरी लगा, बल्कि जहाँ मौका मिले वहीं इनके बाल पकड़ के कुटाई की जाएगी। अबे औकात में रहा कर हरामी। खैर अब हम लोग बात करते हैं अपने लंगोटिया यार के बारे में। लंगोटिया यार उस जीव को कहा जाता है जिसके साथ सिर्फ हम लोग चड्डी पहनकर बंदरों की तरह उछला करते थे। वैसे लंगोटिया यार 2 तरह के होते हैं, पहला
सीधे साधे भोले भाले। दूसरा, एक नंबर के हरामी, इनको दुनिया के किसी भी अच्छाई के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वैसे इन लोगों के अंदर तो आवारापन कूट कूट के भरा हुआ होता है, बस पूरे दिन इधर से उधर डोलते रहते हैं ये लोग। और खाली टाइम में ये लोग गली के नुक्कड़ पे बैठकर लाइन मारते हुए मिलेंगे, लेकिन ये लोग लड़की पे लाइन नहीं मारेंगे, ना ना ना, ये तो संस्कारी लोग हैं। ये लोग लाइन मारेंगे लड़की के कपड़े पर, नीली वाली मेरी, लाल वाली तेरी, काली वाली मेरी, सफेद वाली तेरी। वैसे इन लोगों के अंदर टैलेंट भी बहुत ज्यादा होता है, टैलेंट भी ऐसा कमाल का होता है कि क्या ही बताऊं मैं। ये लोग दीवार पे मूंद के दिल बना देते हैं, और सिर्फ यही नहीं, उस दिल के अंदर अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का पहला अक्षर भी भर देते हैं, SPA+T+G+K। वैसे इनके टैलेंट से याद है, टैलेंट तो तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा है। तुम लोग चाहो तो वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे काला कर सकते हो, और वो जो काले रंग का लाइक वाला बटन है उसे नीला कर सकते हो। तो यार सोच क्या रहे हो, जल्दी से कर दो। तो चलो यार अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को कॉल करके सब्सक्राइब करने बोलना है उसे। हेलो यार, सुन रहा है? मैं बोल रहा था कि मेरे चैनल पे नया वीडियो आ चुका है, तो जाके देख ले, और इस बार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे।